लता आज बहुत खुश थी क्योंकि विदेश से उसके बेटे विकी का फोन आया था। बेटा तू सच में अगले हफ्ते घर आ रहा है? ये तो बहुत अच्छी खबर है। आराम से आ और अपना ख्याल रख। लता का बेटा विकी विदेश में पढ़ाई करने गया था और अब 3 साल के बाद वो वापस घर लौट रहा था। ये खबर सुनकर लता फूले ना समाई। वो घर भर चिल्लाने लगी, अजी सुनते हो, जल्दी यहाँ आओ। क्या बात है भाग्यवान, क्यों इतना चीख रही हो? विकी अगले हफ्ते घर आ रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और पता है, मैंने उसके लिए एक लड़की भी ढूंढ ली है। इस बार जब वो आएगा तो उसकी शादी करवा ही देंगे। यहाँ लता विकी की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाने की सोच रही थी और वहाँ विकी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में माँ से बात करने वाला था। एना, माय मदर वुड बी सो हैप्पी सीइंग यू। खबर मिलते ही लता ने तैयारियां शुरू कर दी। उसने घर पेंट करवाया, फर्नीचर बदलवाया और विकी का कमरा भी साफ करवा दिया। अब सब अच्छा लग रहा है, कल जब विकी आएगा तो खुश हो जाएगा। अगले दिन बेल बजते ही लता पूजा की थाली लेकर दरवाजे पे पहुंची। अपने बेटे को देख बहुत खुश हुई, पर विकी बार बार पीछे देख रहा था। Hey Anna, come here. लता ने एना को देखा और वो थोड़ी चौंक गई। ये तेरी दोस्त है क्या? नहीं माँ, ये आपकी होने वाली बहू है एना। ये सुनकर लता को झटका लगा, साथ ही उसके बुने हुए सारे सपने टूट गए। लेकिन उस वक्त लता ने कोई बखेड़ा नहीं बनाया। विकी और एना घर आए और पापा के पैर छुए। खुश रहो, हमेशा खुश रहो बेटा, तुम लोग बहुत थक गए होंगे, जाकर फ्रेश हो जाओ। जी पापा। विकी एना को अपने कमरे में ले गया। यहाँ लता उदास हो गई। मुकेश उसे समझाने लगा। अरे क्या फर्क पड़ता है, बहू हमारे पसंद की हो या विक्की के पसंद की, उसको जिंदगी बितानी है। अच्छा है कि वो अपनी पसंद की लड़की के साथ बिताए। पर एक फिरंग, मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी, बोलेगी कि अपने बेटे को अपने काबू में न रख पाई। अब जो है तो है, बाकी तुम समझदार हो, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। लता इस बात से उदास थी, उसकी सारी एक्साइटमेंट जा चुकी थी, पर उसने विकी से कुछ नहीं बोला। दोपहर बाद एना लता की मदद करने किचन में गई। डू यू नीड एनी हेल्प? कुछ मदद करूं मैं? नहीं नहीं, मैं सब कर दूंगी। वैसे भी तुम्हें खाना बनाना वगैरह कहाँ आता होगा? मैं सीख सकती हूँ। अच्छा है, अब तुम्हें खाना भी सिखाना होगा। कोई नहीं, एक दो दिन आराम कर लो, फिर मुझे ही तुझे सब सिखाना है। जाओ, विकी तुम्हारी वेट कर रहा होगा। ओके। इस रात जब सब सो गए तो एना जगी थी। Maybe Vicky's mother doesn't like me. यही सोचते सोचते जब एना ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे एक चोरों की टोली दिखाई दी जो घर से कुछ लूट कर ले जा रही थी। वेट! एना खिड़की से कूद गई। उसने चोरों को रोका और उनकी अच्छे से पिटाई करने लगी। चोरों की चीखें सुनकर आसपास के पड़ोसी जग गए। जब सब बाहर आए तो अरे वाह बेटी, तूने तो इन चोरों को अच्छा सबक सिखा दिया। वैसे तू है कौन? ये मेरी होने वाली बहू है। लता को अपनी बहू की तारीफ सुनकर बहुत खुशी हुई और अब उसने अपने बेटे की पसंद की लड़की से कोई गिला शिकवा नहीं था, क्योंकि अब लता की सहेलियां लता की तारीफ ही कर रही थी।
मधु अपने माँ पापा की लाडली थी। वो हमेशा अपने पापा की मदद किया करती थी। ये लीजिए पापा, मैंने ये कुर्ते के बटन टांग दिए हैं। बहुत अच्छे बेटा, अब तुम्हें सिलाई करना भी सीख लेना चाहिए, क्या पता ससुराल में काम आ जाए। क्या पापा, आप फिर मेरी शादी की बात कर बैठे, मैं तो यहीं आपके पास रहना चाहती हूँ। हाँ हाँ मेरी लाडली, तुम अपने पापा के पास ही रहो। धीरे धीरे मधु के पापा ने उसे सिलाई करना सिखा दिया। मधु को सिलाई करना बहुत पसंद था, तो वो अक्सर अपने पापा की दुकान में काम किया करती थी। यही वल्लभ ने मधु को देखा और उसे वो भा गई। वल्लभ ने मधु के पिताजी से रिश्ते की बात की और कुछ महीनों बाद वल्लभ और मधु की शादी हो गई। वल्लभ अच्छी नौकरी करता था, इसीलिए शुरू शुरू में सब ठीक था। दो साल बाद जब मधु ने बेटी को जन्म दिया, देखिए जी कितनी प्यारी है, आंखें देखिए। अब क्या देखूं? तुमने मुझे कुछ देखने लायक छोड़ा है क्या? मेरे घर वाले सब वारिस का इंतजार कर रहे हैं, अब किस मुंह से उन्हें बताऊं कि तुमने एक लड़की को पैदा किया है। पर लड़का हो या लड़की, है तो ये हमारी ही ना। ये लड़की सिर्फ तुम्हारी है, मेरी नहीं। वल्लभ वहां से चला गया और मधु रोने लगी। कुछ देर बाद मधु के पापा वहां आए। मधु ने उन्हें सब कुछ बताया। तू फिकर मत कर, मैं दामाद जी से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। पर वो इस लड़की को अपनाएंगे क्या? क्यों नहीं अपनाएंगे, आखिर उसका अपना खून है। मधु के पिताजी उसे दिलासा देने लगे। फिर वो वल्लभ से मिलने उसके घर गए। बेटा वल्लभ, तुम इतने समझदार हो, बेटा ये बेटी होना तो ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि तुम्हें अगली बार बेटा हो। वल्लभ ने मधु के पिता की बात मान ली और वो मधु को लेने अस्पताल गया। वल्लभ मधु को घर तो ले आया पर वो खुश नहीं था। अरे ओ मधु, इस लड़की का शोर सुनकर कान के पर्दे फट गए हैं, मेरी माँ इसको चुप करवाओ। वल्लभ को अपनी बेटी एक आंख नहीं भाती थी। जैसे तैसे कुछ महीने बीत गए और मधु एक बार फिर गर्भवती हुई। इस बार अगर लड़का नहीं हुआ ना तो तुम्हें तुम्हारे पापा के घर भेज दूंगा, समझी। मधु को अस्पताल में एडमिट किया गया और वल्लभ बाहर इंतजार करने लगा। मुबारक हो, आपको लड़की हुई है। लड़की का नाम सुनते ही वल्लभ का मुंह लटक गया और वो तुरंत वहां से चला गया। आपके पति ऐसे चले क्यों गए? क्या वो कहां गए? मधु वल्लभ को रोकने उठ ही रही थी कि तभी उसके पिता वहां आ गए। पापा, पापा वो गुस्से में चले गए, फिर बेटी हुई है। अब क्या कर सकते हैं, जो विधि है वो होगी ही। मधु अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। मधु के पापा एक बार फिर वल्लभ से मिलने गए। इस बार मुझे कुछ सुनना नहीं है, आप चुपचाप अपनी बेटी और उसकी बेटियों को अपने साथ ले जाइए। पर वो बच्चियां तुम्हारी भी हैं। उन लड़कियों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये सुनकर मधु के पापा हताश होकर वहां से चले गए। वो मधु और उसकी दोनों बेटियों को अपने घर ले गए। मधु के पापा की उम्र हो गई थी, फिर भी वो सिलाई का काम करते थे ताकि वो मधु और उसकी बेटियों को अच्छे से पाल सकें। लेकिन दो साल बाद मधु के पापा चल बसे। अब मधु के पास कोई सहारा नहीं था। मधु ने अपने आप को संभाला और खुद सिलाई का काम करने लग गई। वो अपनी दोनों बेटियों को संभालते संभालते सिलाई का काम भी करती थी। देखते देखते उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो गईं और स्कूल जाने लगी। मधु की बड़ी बेटी माया स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। मैं आपकी परिस्थिति जानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप माया को सपोर्ट कीजिए, वो टैलेंटेड है और बहुत जल्द आपका नाम रोशन कर दिखाएगी। सर,
जितना मुझसे हो सकता है मैं करूंगी। पीटी सर ने माया की कोचिंग जारी रखी और मधु दुकान पर ओवर टाइम काम करने लगी ताकि वो माया को सेहतमंद खाना और उसकी स्पोर्ट्स की जरूरत की चीजें दिलवा सकें। माया भी जी तोड़ मेहनत कर रही थी। इन दोनों माँ बेटियों की मेहनत रंग लाई और माया ने स्टेट लेवल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। माया ने अपनी माँ का नाम रोशन कर दिया जब उसकी और उसकी माँ की तस्वीर अखबार में आई। ये तस्वीर देखकर वल्लभ सोच में पड़ गया कि आज उसका भी नाम उस अखबार में होता अगर वो बेटी के जन्म पर अपनी पत्नी को अकेले ना छोड़ देता। उसकी इच्छा थी कि वो वापस जाकर माफी मांगे, पर अब किस मुंह से।